Hey friends, welcome to my channel Anything Amazing. Okay, so क्या हाल है आपके और आपकी फैमिलीज के, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, तो प्लीज स्टार्ट करते हैं। नो टाइम वेस्ट एंड मेक टाइम बेस्ट। टाइटल देखकर आपको आइडिया हो ही गया होगा मैंने ये वीडियो क्यों बनाई है। जी हाँ, इस दुनिया में ऊपर वाले ने हमें भेजा और इस दुनिया के अंदर अलग अलग टाइप के लोग भी भेजे, और उन अलग अलग लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंसल्ट करने में माहिर होते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन्होंने इंसल्ट करने में PhD कर रखी हो। इंसल्ट करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं लोगों के लिए एक वीडियो है जो मैंने अभी बनाई है, और वो यही है उनसे बचने का क्या तरीका है और उनसे बचने के लिए क्या जवाब है। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बहुत अच्छी टिप्स पता चलेंगी और बहुत अच्छी बात भी पता चलेगी। नोटिस करने वाली बात यह है कि इस तरीके के लोग इंसल्ट जब करते हैं जब वो किसी ग्रुप में बैठे होते हैं, ताकि वो अपने आप को महान साबित कर सकें और दूसरों को इंजॉय करवा सकें। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि इस तरीके से इंजॉय नहीं होता, बल्कि वो लोगों के दिल में भी नहीं बैठ पाता। और ऐसे लोगों का जवाब आप सिर्फ खामोशी से दीजिए। कोई अगर आपको इंसल्ट करता है तो आप सीरियस होकर उसके आँखों में आँखें डालकर देखें, उससे नज़रें ना चुराएं और अपना गुस्सा ज़ाहिर ना करें। क्योंकि अगर आप गुस्सा ज़ाहिर कर देते हैं तो वो अपने मिशन में कामयाब हो जाता है। सो दैट्स वाई अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें और अपने फेस पर प्यारी सी स्माइल बरकरार रखें। ये करने से इंसल्ट करने वाले की खुद ही इंसल्ट हो जाएगी और शायद वो अपनी इस गलती से एम्बैरेस होकर आपसे सॉरी कह दे, या फिर अगर ना भी कहे तो शायद खुद ही वो समझ जाए। बट कुछ लोग इतने ज़िद्दी होते हैं कि कितना ही समझा लो वो नहीं समझते हैं, और एंड में जाके बहुत ज़्यादा पछताते हैं। और अगर कोई इतना ज़िद्दी आपको मिल जाता है और आपकी बार बार इंसल्ट करता है, तो आपको सिर्फ उससे एक ही चीज़ पूछनी है। जैसे कि अगर आपसे किसी ने कहा कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो आपको उससे लड़ना झगड़ना नहीं है कि तूने ऐसा कहा कैसे या बोला कैसे, ऐसा कुछ नहीं बोलना। आपको सिर्फ एक सवाल करना है, और वो सवाल ये है कि इसका रीज़न क्या है। ये इतना अच्छा सवाल है कि सामने वाला जब आपकी इंसल्ट करता है और कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता, और कोई भी मसले में आप कहते हैं अच्छा मैं नहीं कर सकता, तो इसका रीज़न क्या है। अगर आप उसका रीज़न पूछते हैं तो खुद ही आपके सवाल का जवाब दे देता है। जी हाँ, किसी भी बात में आप ट्राई करना। अगर कोई आपसे कहता है कि तुझसे ये नहीं होगा, ये तूने नहीं कर पाएगा, या ये तूने गलत कर लिया, या ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, कोई भी अगर आपकी इंसल्ट करता है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है या आपको छोटा बताता है या आपको गलत साबित करता है, तो आप उससे रीज़न पूछिए किसी भी मसले में, किसी भी बात पर, कि इसका रीज़न क्या है, क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है। तो वो आपके सवाल का खुद ही जवाब बन जाता है, और फिर वो फ्री के एडवाइस देने लग जाता है, और आपको भी अच्छा लगता है कि चलो किसी ने हमें एडवाइस तो दी, किसी से हमें अच्छा रीज़न का अच्छा आंसर तो मिला। तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली चीज़ है। और एक और मैं आपको बात बता देती हूँ, अगर कोई कुछ ज़्यादा आपसे आर्ग्यूमेंट्स करता है या आपके इंसल्ट कुछ ज़्यादा करता है, लिमिट क्रॉस करता है, तो आप भी चुप मत बैठिए। आपको जवाब देना होगा, आप अपनी लड़ाई खुद लड़िए। हमेशा याद रखिएगा, ऊपर वाले के अलावा हमारे साथ कोई नहीं होता। एक हद तक हमारे पेरेंट्स होते हैं, बट वो भी एक ना एक दिन हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए हर वक्त हमेशा याद रखिए कि अपनी लड़ाई हमें खुद ही लड़नी है, हमें किसी और पर निर्भर नहीं होना है। अपनी लड़ाई हम खुद लड़ेंगे, अपने जवाब हम खुद देंगे, जब ही जाकर हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे। अपने आप को वीक मत बनाइए। अगर आपसे कोई कुछ कहता है तो आप भी उसका अच्छे तरीके से जवाब दीजिए। देखिए, बुरे तरीके से जवाब देने वाले हज़ारों मिलेंगे, बट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो सामने वाले के गुस्से को स्माइल से जवाब दें, खुशी से जवाब दें, हंस कर जवाब दें। तो फ्रेंड्स, अपने आप को मज़बूत बनाइए और अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने की कोशिश कीजिए। कभी भी ये मत सोचिए कि कोई और हमारा सपोर्टर बनेगा या कोई और हमारा आके साथ देगा। ओके, अगर मेरी वीडियो आपको ज़रा भी पसंद आई हो, समझ में आई हो या थोड़ी अच्छी लगी हो, तो उसे लाइक, शेयर और कमेंट्स और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलेगा।
ओके बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।